हाय दोस्तों, कैसे हैं? 24 मार्च 2019 है, संडे का दिन है और जो आउटलुक लेके आया था वो आइसर मोटर पे लेके आया था। आइसर मोटर जो अभी 22 तारीख को क्लोजिंग दिया है, वो आइसर मोटर जो क्लोजिंग दिया वो 21,446 रुपये पे क्लोजिंग दिया, 108 पॉइंट करके। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज से कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है और 21,500 की जगह 21,446 पे ये क्लोज देता है। दूसरी बात, अगर इसका हाई देखेंगे तो 32,000 है, लो देखेंगे 18,800 है। तो अगर लो पॉइंट से भी सोचें तो ये एक अच्छा स्क्रिप्ट है, कहीं 32,000 का हुआ करता था। लेकिन एक बार इसके टोटल जो प्रॉब्लम है उसका, वो है सेल्स ग्रोथ। अब इसमें सेल्स ग्रोथ में थोड़ी सी रुकावट है, जो सेल्स ग्रोथ अभी मिल नहीं रहा, इसके कारण इसके प्राइस एक्शन में थोड़ी सा कमी आ रही है। और दूसरा, प्रमोटर ने भी क्या किया है, अभी प्रमोटर भी देखेंगे तो अपने शेयर, प्रमोटर ने, FII ने, दोनों ने अपने पोर्शन को डिक्रीज किया है। ये दो एक कंसर्न है इसका। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे आइसर मोटर पे जो हो रही है डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है। ये आप जब इसकी डिलीवरी देखेंगे तो आप देखेंगे दो लाख 1 लाख और 2 लाख, मतलब अच्छी खासी 2 लाख 1 लाख और 1.5 लाख और 2 लाख से सेलिंग हो रही है, ट्रेडेड हो रही है। और वहीं पे डिलीवरी 1,54,000 1,14,000, 50 से 40%, 32%, 52%। तो लास्ट जो डिलीवरी हुई है 52% से हुई है, 1,14,680 शेयर का डिलीवरी हुआ, 2,16,882 शेयर का ट्रेडिंग हुआ। इस ट्रेडिंग होने के बावजूद भी इसमें जो पैटर्न बन रहा है आप देखेंगे तो यहाँ पे जब डिलीवरी हो रही है 50%, 52%, तो ये नीचे की ओर गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे जो एक पैटर्न बन रहा है वो एक फॉल का पैटर्न बन रहा है और नीचे की ओर जाते हुए दिखता है। यहाँ पे लास्ट डे की क्लोजिंग देखेंगे तो एक हैमर पैटर्न डाउन साइड में दिखाया है, तो हो सकता है कि आपको ये नीचे जाते हुए दिखाए क्योंकि डिलीवरी बेस सेलिंग कहीं ना कहीं दिख रही है। ये जो एक लेवल है इसका 23,150 जो है, यहाँ पे एक गैप अप है, यहाँ से एक गैप है और ये बार बार इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है लेकिन ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो 23,150 इसका लॉन्ग टर्म का एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस, अगर ये क्रॉस करता है तो आपको वापस अच्छे खासे लेवल पे आपको 25,000, 27,000, 28,000 की ओर जाते हुए दिख सकता है। अगर मैं इसको मूविंग एवरेज के आधार पर भी इसको देखने की कोशिश करूँ तो डेली बेसिस पे क्या कर रहा है आपको देखने को मिलेगा, 24,190 जो इसका 200 दिन का लॉन्ग टर्म का डेमा है, तो जब ये इसको क्रॉस करता है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो अच्छा खासा आपको 30,000, 32,000 वापस जाते हुए दिखेगा। टाइमिंग अभी जो शॉर्ट टर्म में दिख रहा है वो नीचे की ओर आता हुआ पैटर्न दिख रहा है, ये नीचे की ओर पोजीशन बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वीकनेस नहीं, ये जो ये आपका येलो कलर का है, ये आपका जो है 9 दिन का एवरेज डेमा है और ये नीचे की ओर आते हुए दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीकनेस इसमें दिखने को मिल रही है आपको, जो हो सकता है कि वीकनेस की ओर जाते हुए दिखे। अगर मैं इसको वीकली बेसिस पर भी देखूँ तो वीकली बेसिस पर भी आप देखेंगे तो इसका जो 9 दिन का जो 50 दिन का जो है इसका एवरेज है वो आता है 24,170 के आस 22,000 के आसपास आ रहा है, सॉरी 22,313 के आसपास आ रहा है ये जो 200 दिन का डेमा है। और जो येलो वाला है 21,293 का, मीन्स हो सकता है कि 21,293 पे सपोर्ट ले, नहीं तो ये वापस अच्छे खासे आपको वापस 20,000 की ओर जाते हुए दिखेगा आपको। 19,500 लास्ट है क्योंकि एक रेंज बाउंड में कर रहा है, ये 19,500 से 22,500 की ओर जाते हुए आपको दिख रहा है, एक रेंज बाउंड में ये काम कर रहा है। तो जब तक ये आपको 24,000 क्रॉस नहीं करता है तब तक इसमें कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पोजीशन नहीं भी बनाए तो चलेगा। ऊपर साइड में 24,000, नीचे साइड में आपको ये 19,500 तक आ रहा है, ये जिस ओर ब्रेक करेगा वहाँ से आपको 3,000 पॉइंट देखने को मिलेगा, अपर साइड या लोअर साइड। नीचे 15,000 को टच कर सकता है, ऊपर जा करके आपको 28,000, 29,000, 30,000 तक जा सकता है। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये निगेटिव ही पैटर्न बना रहा है। अगर मैं इसको वीकली, यहाँ पे आपको वीकली बेसिस पे डेली कैंडल दिखाऊं तो आपको ये वीकली बेसिस पे इसने क्या किया, जो डेली बेसिस पे गेन था उसको कवर करते हुए, यहाँ इस डेट इस वीक के गेन को कवर करते हुए यहाँ पे लॉस का इसको पूरा खत्म कर गया और बुलिश रिवर्सल पैटर्न जो देखते हैं रिलायबिलिटी वेरी हाई है उसको बनाया है। तो एक यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वीकनेस देखने को मिलेगा। और चूंकि ये निफ्टी को भी अच्छा फॉलो करता है तो निफ्टी में भी थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है, तो शायद यहाँ पे भी एक वीकनेस देखने को आपको मिल सकती है। तो आइसर मोटर पे एक शॉर्ट टर्म के लिए निगेटिव है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको अभी अपने 10-10% करके एक्यूमुलेट करना है। अगर आपके पास टोटल शेयर 10 है तो आपको एक शेयर अभी बाई करना है और ऐसे करके, क्योंकि जब तक आपको 24,000 क्रॉस नहीं करता है तो एक रेंज बाउंड हो सकता है। अगर मैं इसको जा करके 28 मार्च के डेरिवेटिव में जा करके चेक करूँ तो क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे 20,500 और 21,000 में ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे बाइंग हो रही है कॉल की ओर, और नीचे की ओर जो हो रही है सब जगह शॉर्ट का पोजिशन दिख रहा है आपको, और कहीं ना कहीं कॉल में थोड़ा सा अनवाइंड दिख रहा है आपको 22,000 तक, और 23,000 पे भी थोड़ा सा अनवाइंड दिखते हुए आपको दिख रहा है। तो मतलब ये वॉल्यूम यहाँ पे अब कहीं पे वेडिशन नहीं हो रहा है। तो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम देखे ओपन तो 23,000 पे है 20,000 का, और लोअर साइड में जाएं तो आपको कहीं ना कहीं 20,000 पे, यहाँ पे 20,000 पे देखेंगे तो 13,550 का है।
तो 20,000 से लेकर के 23,000 के रेंज माउंट में हो सकता है ये आपको रहे, ना तो ऊपर की ओर जाए ना तो नीचे की ओर जाए, यहीं पे एक्सपायरी आपको देते, बहुत से बहुत 19,500 जा सकता है, 19,000 तक जा सकता है, जहाँ 10,250 है, लेकिन यहाँ से भी अनवाइंड होते हुए दिख रहा है। अभी जो पोजीशन बनी 21,000 पे शॉर्ट हो रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर जाते हुए दिख रहा है, 21,000 पे शॉर्ट हो रहा है और 21,000 पे यहाँ पे आपको बाइंग भी हो रही है 350 से, तो थोड़ा सा पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक रेंज बाउंड हो सकता है 19,500 से 23,000, इस रेंज में निकाले, जिस ओर तोड़ेगा उस ओर आपको अच्छा खासा पैसा दे करके जाएगा। मेरा इस पर कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा सिर्फ ये ओपिनियन है, व्यू है कि आइसर मोटर थोड़ा वीक दिख रहा है, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो सकता है इसमें देखने को आपको मिल सकती है, नीचे की ओर 19,500 तक ये जा सकता है। आपको अगर मार्केट में कोई भी पोजीशन बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जान के पूछ के फ्री बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।